एसडीएम कार्यालय में आज एसडीएम कार्यालय गंगा प्रसादी में आज ज्ञापन दिया गया है और वोट एक बार जी भाई गंगापुर श्री एसडीएम कार्यालय में आज किसानों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। सर क्या मामले में ज्ञापन दिया गया? साहब जो ये पांच रे का पानी है इसका जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से आदेश है, आदेश के बावजूद भी उस पानी को नहीं खोला जा रहा, तो राजस्थान में कानून नाम की चीज रही कहाँ? किस जगह पे वो कानून मिलेगा? हम उस जगह पे जाए कि भाई हमें वहाँ से राहत मिलेगी? हाई कोर्ट से बड़ा और कोई चीज़ हो नहीं सकती। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आज नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा रहा, तो सरकार क्या आंधी बहरी गूंगी क्या हो गया सरकार को? और यदि सरकार वही उग्रवादी यदि मान लीजिए वही देखना चाहती उग्र रूप देखना चाहती है तो किसान भी अब उग्र रूप दिखाने को तैयार। इसमें सर्वे का क्या मामला सर? सर्वे का जो परियोजना की सर्वे किया हमें की जाए, वो बाकी के विधानसभा गंगापुर क्षेत्र ही लोग जो वंचित है जहाँ पीने का पानी नहीं है उस एरिया को भी उस लिफ्ट में शामिल किया जाए। और ईआरसीपी में कोई बता रहे हैं कि गंगापुर का एरिया को छोड़ दिया, बामणवास का छोड़ दिया, तो उस एरिया का पुनः सर्वे दोबारा हो और सर्वे में गंगापुर और बामणवास को जोड़ा जाए, ये मांग। पानी के लेके ज्ञापन दिया गया, पांचड़े के पानी को लेकर के अब ये ज्ञापन दिया गया है कि भाई हम सब्र खान कब तक सब्र रखेंगे? ये बोल लिए वो एक पांचड़े का जो हमारा तीन मांग थी, ईआरसीपी लिफ्ट परियोजना और कमांड एरिया के क्षेत्र में नहरों में पानी छोड़ना, अभी माननीय प्रमुख साहब ने बताया यही मांग थी हमारी। आज पोजीशन ये आ गई है कि अब जो किसानों ने जो किसानों को सब्र का बांध है वो टूट रहा है, अब कहीं भी हम भी धरने पर बैठ गए तो फिर हम भी अपने वाले नहीं है। हाई कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, अरे तो पानी तो सबको मिलना चाहिए और वो हमसे क्यों, हम और वो साथ मिलकर वहाँ चलो चंबल पे वहाँ जलाओ नहीं, हम कब मना कर रहे हैं उनसे, वो भी हमारे भाई हैं, किसान को चाहे थोड़ी है, जबरदस्ती को जाति का रूप दिया जा रहा है। सरपंच महोदय जैसे विजय बिस्ला जी ने शब्दों में कहा था कि हमारे 39 गांवों को पहले पानी दिया जाए, इसके बाद ही हम आगे पानी जा रहे हैं। 39 गांवों को लिफ्ट परियोजना से पानी दे दिया है, उनको पानी दे दिया लिफ्ट परियोजना से पानी दे दिया उनको, उसके बाद में कि जगह में दी दो अब नदी में पदम जी नहर में खोल दो नहीं यार। पदम जी मेरी बात सुनो, इसमें क्या है कि मुख्य समस्या सारे गंगापुर विधानसभा क्षेत्र गंगापुर की ये है कि एक तो पांचना का पानी इधर तो खोला नहीं और जगरक बांध को ले जाने की तैयारी चल रही है, दूसरा क्या है कि इंदिरा नहर जो प्रोजेक्ट था उसमें बांधवास गंगापुर का नाम ही नहीं है, तीसरा क्या है कि हमारी जो समस्या थी इसमें ईआरसी में भी हमारे सर्वे में नाम नहीं है, तो हमारा गंगापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए अनदेखी क्यों हो रही है? ये गंगापुर विधानसभा क्षेत्र जबकि पानी के लिए लालायत है, ये पानी के बिना ज्यादा यही परेशान है माल क्षेत्र पड़ता है और इसमें न पीने का पानी दे रहे न सिंचाई का दे रहे और पानी को ले जा रहे हैं जिधर पानी है उधर, जबकि अभी हमें मालूम लगा है कि 8 करोड़ का प्रोजेक्ट वहाँ के लिए जगर बांध के लिए तैयार कर रहे हैं, 8 गांव और जोड़ दिया और जबकि इधर के लिए पांचना के लिए जो नहर बनाई सरकार ने जो कमांड एरिया के उसमें पानी छोड़ ही नहीं रहे और उस पानी को इधर ले जा रहे हैं भरतपुर साइड। आखिरकार ये पांचना के पानी को लेकर आकर कहाँ तक राजनीति होगी जब हाईकोर्ट के आदेश आगे उसकी भी पालना नहीं? इसमें या तो सरकार मूक बंद है, मैं ये चाहता हूँ सरकार क्यों नहीं निर्णय ले रही इसमें, जबकि सरकार को पता है इस कमांड एरिया के लिए पांचना बांध बना था, कमांड एरिया के लिए नहर न खोल के और इधर से नए नए प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं, ऐसा क्या दबाव है सरकार के ऊपर?
और जबकि हाई कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं कर रहे। सरपंच महोदय, अभी कुछ दिन पहले एक दिन के लिए पानी छोड़ा गया था पशु पक्षियों के, क्या उसमें प्रोजेक्ट में क्या खराबी थी, क्या थी उसमें? सभी नेताओं ने सर मेरी बात सुनो, 8 लोग मात्र पासने पे धरना दे के बैठ जाते हैं, मात्र 8 लोग, जबकि वो क्षेत्र के नहीं है, बाहरी क्षेत्र के 8 लोगों ने पासने पे बैठ गया, उसी से सरकार शांत। 8 लोग अगर हमारे द्वारा विजय बैसला से बात की गई थी, उन्होंने कहा था कि हमारे 39 गांव में नहर तो बना दी गई पर हमारी ऊंची नहरें हैं, हमें पहले सारी नहरों को नीचा किया जाए जिसके बाद हमें पानी मिलेगा ना, और जो बचेगा तब हम आगे भेजेंगे। पत्रकार साहब पहले मेरी बात सुनो सर, पहले मेरी बात तो सुनो सर, क्या है कि विजय भैंसला जी तो आगे से आगे उनके में मांगे बढ़ाते जा रहे हैं, और मुझे मैं कंफर्म गारंटी के साथ कह रहा हूँ वो जिंदगी में कभी इस एरिया के लिए पानी की कहेंगे ही नहीं। वो आज तो 8 गांव की कह रहे हैं, फिर 39 गांव पहुंच गए, फिर जगरबांध पहुंच गया, फिर आगे पहुंच जाएगा। लेकिन जहाँ पानी की समस्या है माल क्षेत्र में, और गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट में ये पांचने बांध में लिया था, तो ये हमारी ERC पे इंदिरा प्रोजेक्ट में सारे में सर्वे ही नहीं है, सरकार भी मुंह पे देखिए, अब सर्वे नहीं, सरकार अनदेखी क्यों करिए गंगापुर लोगों के साथ में, तो गंगापुर किसानों के साथ में, गंगापुर ने के साथ में अनदेखी कर रही है सरकार। तो हम तो सरकार से विरोध जताने चाह रहे हैं कि गंगापुर के किसानों के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। आखिरकार ये पेश अटका गाँव, वास्तविक में जो पेश अटका गाँव है, कारण क्या है? ये तो सर पेश कहीं नहीं अटका। अगर ये तानाशाही, ये लठ भारती तानाशाही, कुछ लोग जो भारी लोग हो रहे हैं पांचने के पास में, भारी लोग। जैसे मैं हमने बताया था कि आपको पांचने नहर परियोजना में नहरों में एक दिन के लिए पानी आया था, नहीं आया था, नहीं आया, कुछ पानी आया था उसमें सर, सफेद झूठे सारी हमारी मीडिया टीम ने जाके देखा था, उस दिन सभी नेताओं ने भाई भाई लूटने के लिए दिन रात माही रह रहा हूं, एक एक पानी नहीं छोड़ा, पानी नहीं आया बिल्कुल, यानी ये सफेद झूठे होता है, झूठे उस दिन खोला था जिसके तुरंत बाद ही बंद कर दिया गया। पांच नहर बांध के पानी की मांग को लेकर SDM कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है, और सभी किसान भाई हैं और आसपास के कौन कौन से गांव के, ये सारे पूरे गंगापुर विधानसभा क्षेत्र के सरपंच, सर्व किसान, सर्व समाज के किसान हैं, ये कोई जाति विशेष नहीं है सर, पूरे गंगापुर विधानसभा क्षेत्र के हैं, और सबकी तरफ से चेतावनी, अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो रेल रोको आंदोलन करेंगे, और भी ऊपर आंदोलन होगा। बोल दिया तो बोल दिया, अब तो रेल फेल जो रोका नहीं, हम तो लैंड में बैठाएंगे वहां से। हां क्या कह रहे हैं सर? रोके हम तो गाड़ी की जो पटली है नी उधर तो बेखोसका हम तो रद्द करेंगे, कतई गाड़ी नहीं ले सकते आपको पानी नहीं हमसे तो बात हो रही है भाई, हमसे तो बात हो रही है, गुजर मुँह तो बता 360 कहाँ जोड़ दिए, और हमारे मीनान कुकरी गंगापुर और मुखिया जी को ले लियो, मुखिया जी इतने जो हमारी बहुत बड़ी योजना पानी पीने के पानी की ERCP की योजना, जिससे हमारा गंगापुर विधानसभा क्षेत्र को ही वंचित कर दिया है सर्वे से, जबकि हमारी राजस्थान की जनता ने हमारे लोकसभा में 25 सांसद भेजे हैं, के बारे में कुछ बोलते ही नहीं है। दिल्ली में जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने फिर भी इस ERCP के लिए एक अलग से बजट रखा, मगर ये क्या है कि बहुत बड़ी योजना है, इसमें केंद्र का भी हस्तक्षेप बहुत जरूरी होता है। हम अभी उपखंड अधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है कि हमारी जो ERCP की जो 13 जिलों की महत्वाकांक्षी योजना है पीने के पानी की, वो उसमें हमारा गंगापुर विधानसभा जो पिछड़ा हुआ है उसको जुड़वाएं, जिससे पीने का पानी और किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। मुकेश जी अभी जो शेखावत जी आए हुए थे माधापुर के अंदर, उन्होंने कहा था कि राजस्थान सरकार हमें 9,000 करोड़ रुपए दे रही है, उसके बजाय हमें 1,000 करोड़ रुपए दे और हमें इस प्रोजेक्ट को फिर से जो सारी चीजें है वो टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है हमारे साथ बैठ के वार्ता करें, हम एक महीने में लागू कर देंगे। जी केंद्रीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिल्ली सरकार को, केंद्रीय मंत्री जी को कई बार पत्र लिख दिया है, वो जवाब ही नहीं देना चाहते, वो तो सफेद झूठ बोलते हैं, वो चाहते नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो खुद मुंह पे स्टेज पे बोला था कि ERCP योजना राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अब वो उस बात से ही मुकर रहे हैं, तो उनकी बातों का तो हम कोई मानते नहीं है। हम तो सब किसान ये चाहते हैं कि ERCP योजना जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने
पहल करके इस योजना में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और एक अलग से फंड रख दिया। आप केंद्र सरकार क्यों नहीं उस पर चुप्पी साधी हुई है, एक शब्द नहीं बोल रही है? सर सर मैं इस बात पर आपको टोकना चाहूंगा कि ईआरडीपी की योजना केंद्र सरकार डीपीआर तो राजस्थान गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। आदरणीय सारी चीज कंप्लीट है मगर एक शब्द एक सांसद नहीं बोल रहा है। भारत सरकार के ये भारत सांसद बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। भारत सरकार ने क्यों नहीं बोल रहा है? डीपीआर तो राजस्थान सरकार चेंज करेगी ना। सुनो, राजस्थान सरकार बिल्कुल संकल्पित है। ईआरसीपी योजना बहुत जल्दी 13 जिलों के लिए लागू की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी पहल कर रहे हैं, हमारे मंत्री पहल कर रहे हैं और हमारी सब चीज होगी। केंद्र सरकार पता नहीं बोलती, 25 सांसद जो जनता ने चुनके चुपचाप बैठे हुए हैं। चलो मुकेश जी, आप ईआरसीपी की कह रहे हो, उन चीजों को छोड़ के एक चीज बताइए, जो पांचड़ा नहर परियोजना है कमांड एरिया, कमांड एरिया के लिए उनके लिए कब पानी मिलेगा? जब सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं कि राजस्थान सरकार डीपीआर तो राजस्थान से अभी हमने हम बात कर रहे हैं हमारी विधानसभा को इस योजना से जोड़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जब माननीय हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र अभी उससे वंचित रख दिया है इन्होंने। हम इस ईआरसीपी योजना में हमारी विधानसभा सुनो सर, देखो पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ, हम तो राज्य सरकार का भी विरोध कर रहे हैं। राज्य सरकार ने हमारे दोनों गंगापुर विधानसभा क्षेत्र को डीपीआर में जोड़ा ही नहीं। एकमात्र विधानसभा क्षेत्र दो, बावनवास और गंगापुर सिटी, इनको डीपीआर में ही नहीं जोड़ा राज्य सरकार ने भी। तो हम तो राज्य सरकार से भी मांग कर रहे हैं, अगर राज्य सरकार ही हमारी बातें सुन लेंगी तो ये नहर भी खुल जाएगी और हमारे डीपीआर में ये जुड़ जाएगा, तो हमारे इंद्रप्रस्थ एक्टर ईसीपीआर ये सारी जुड़ जाएंगी इसमें। तो हमारी अनसुनी क्यों कर रही है किसानों के साथ में? हम तो विशेष तौर पर ये है कि राज्य सरकार इनको जोड़ें और हमारा ये सुनवाई करे किसानों के साथ। कुल मिलाकर चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, पानी तो लोगों को मिलना चाहिए। मेन चीज ये पानी की आवश्यकता है। राज्य सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार क्या करती है, किसानों को कोई लेना नहीं लेना। किसानों को बात ये, हमें तो पानी चाहिए सिंचाई के लिए और पीने के लिए, चाहे राज्य सरकार करे या केंद्र सरकार करे, हम ऊपर कुछ नहीं जानते। किसान क्या जानते हैं? बजट किसान तन भोले होते हैं। या बजट में हमारी घोषणा होनी चाहिए, हमारे यहाँ की प्रोजेक्ट की मतलब सर्वे होनी चाहिए। अब तक हमने सर जी शांति रूप से ज्ञापन दिया, गंगापुर के लोगों ने शांतिपूर्ण प्रिय से ज्ञापन दिया था, उग्र रूप धारण नहीं किया। अगर जनता अब आक्रोश होती जा रही है, पीने के लिए परेशान है, किसान परेशान है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं मानी तो पूरे जन जन बच्चा महिलाओं के साथ में जना आक्रोश में आ जाएगा। ये हम चेतावनी दे रहे सरकार को। कई वर्षों से पांचना बांध के मामला लोग पानी पांचना बांध पर लगातार राजनीति हो रही है और लगातार भोलीभाली जनता से वोट मांगे जा रहे हैं, इसी पे राजनीति की जा रही है। और विधायक भी है, उन्होंने पांचना बांध को लेकर काफी कमेंट किया हुआ है और राजस्थान का जो हाईकोर्ट का निर्णय आया था उन पर भी बहावाई सभी ने लूटी थी। मैं कहना चाहता हूँ तो आपकी ओर से क्या कहना है कि किसानों को पानी मिला? हमारी ओर तो एक ही बात है, चाहे एमएलए साहब हो चाहे विजय भैंसला हो, हमें उनसे राजनीति से मतलब नहीं है। यहाँ बिना राजनीति का मंच है, ये किसान का मंच है। आम सरपंच संघ पूरे क्षेत्र के और पूरे किसान ये मांग कर रहे हैं दलडा के लिए, सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, हमें तो पीने के लिए पानी चाहिए और नहरों में पानी चाहिए और सारे किसानों की समस्या होनी चाहिए। कम से कम ये कहना चाहेंगे आप लोगों की ओर से कि इसमें राजनीति ना करके। आपने राजनीति कहा है पांचना की बार बार, हमारी तो केवल मांग ये है कि जो हाईकोर्ट का आदेश है उसकी पालना उसकी पालना करवाई जाए। इससे आगे बढ़ाने वाली कोई चीज नहीं, बिल्कुल राजनीति ना करके लोगों को किसानों को और जो पानी मिलना चाहिए इसमें। सर जी एक बस ये अब बताओ आगे। नहीं, हम यही कहना चाहते हैं कि राजनीति ना करके किसानों को पानी मिले। हम तो केवल हमारी मांग को उठा रहे हैं मुख्यमंत्री के सामने माध्यम से, एसडीएम साहब के दिया आज ज्ञापन उसके माध्यम से है कि हमारी मुख्य मांग है। सर देखिए, ये तो ऐसा तो है नहीं कि सीएम को हमारा जो उद्देश्य है आरोप प्रत्यारोप करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है हमारी जो समस्या है जो मूल समस्या बिल्कुल, है बिल्कुल बिल्कुल हम समस्याओं का समाधान चाहते हैं। आरोप प्रत्यारोप करके जिस तरीके से 16 साल से अटका रखा है मामले को, हम अटकाना नहीं चाहते, हम हमारी समस्या का समाधान चाहते हैं। ये किन प्रकार हमारा जो 16 वर्षों का जो वनवास है वो किसी तरीके से खत्म हो और जो अब जो उम्मीद जागी थी
हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो हमें पांच ना बांध के जो कमांड एरिया है पूरा, उसको एक उम्मीद जागी थी, एक रोशनी की किरण जागी थी। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद चंद लोगों के द्वारा वहां जाकर धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिर प्रशासन की ऐसी क्या मजबूरी है जो राजस्थान हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है? भाई प्रशासन मौन क्यों है इस पूरे सिस्टम पर? बात नेताओं की नहीं है, उनका काम तो राजनीति करना है, वो तो करेंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उनसे जब नेताओं को हमसे कोई सरोकार नहीं है तो हमको भी नेताओं से कोई सरोकार नहीं है। हमारी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे इस बार। कुल मिलाकर आम जनता जाती है कि आप अपनी नेतागिरी करते रहो, लेकिन हमें तो पानी चाहिए। आखिर कमांड एरिया का वनवास कब खत्म होगा? एक इसमें एक चीज और थी सर, जो इंदिरा गांधी जो प्रोजेक्ट कैनाल है उसका पहले सर्वे हुआ था, बीच में उसको सर्वे को रोक दिया, गंगापुर विधानसभा को उसमें नहीं लिया। दूसरा, जबकि इसमें लिफ्ट के जरिए अगर ये जगर बांध को पानी ले जा सकते हैं तो हमारे माल क्षेत्र के उदयी गांव है, डोडा है, बावनबाद क्षेत्र के, ये क्यों नहीं आ सकते? कुल मिलाकर सीधी बात ये, हम तो ये कहना चाहेंगे सरकार से कि किसानों को पानी मिले, जो शहरवासी है, ग्रामीण है, उनको सभी को पानी मिले, इस पर किसी एक का प्रभुत्व ना हो और सभी को समान रूप से देखकर इसको खोला जाए। गंगापुर के किसानों ने और सरपंच ने दिया है ज्ञापन पांचवा पानी की खुलवाने की मांग को लेकर।